कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड में रविवार को शहर के मिडिल चौक पर राजद कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, गैस सहित अन्य सामग्री के मूल्य वृद्धि से आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मिडिल चौक पर लगभग आधे घंटे तक पीएम और सीएम मोदी के पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर आवागमन काफी बाधित रहा, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कहना चाहते हैं महंगाई के खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर हम लोग तमाम राजद कार्यकर्ता पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्या सुनना हो? मेरा नाम रणदीप कुमार यादव, नगर अध्यक्ष। यादव के निर्देश पर आज पूरे बिहार में महंगाई के खिलाफ, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस में बढ़ती कीमती के खिलाफ आज पूरे प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन और नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया राजद पार्टी। मेरा नाम उमेश यादव, प्रखंड राजद। बिहार से लेकर पूरे देश में आज महंगाई इतनी चरम पर है कि जनता त्रस्त है। इस त्रस्तता को देखते हुए लोगों को त्राहिमान है, उसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने जनता के दुख सुख के हित के लिए पूरे भारत से लेकर पूरे बिहार में आज पुतला दहन और सड़क मार्ग और बैलगाड़ी सारे लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और नीतीश कुमार और मोदी जी का पुतला दहन कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं।